दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम ईचागढ़ क्षेत्र में आए हैं, ईचागढ़ कांडिल डैम में, जो यहाँ पुनर्वास जो इस कांडिल डैम की जो यहाँ ऑफिस है, यहाँ पर अधिकारियों की बैठक होती है, तमाम जो निदेशक है यहाँ बैठते हैं कांडिल डैम के। और ये सारे जो देख रहे हैं, ये लोग जो है कांडिल डैम के विस्थापित है, 116 गांव 84 मौजा के लोग, और ये आज यहाँ पर जो देना होगा यहाँ इन लोगों की, जो आज 42 सालों की आंदोलन है, इन लोगों की नियोजन हुआ है। और आज ये विकास पुस्तिका जो मिल रही है उसमें भी ऑफिस के द्वारा, कांडिल डैम ऑफिस के द्वारा जो है एक भ्रष्टाचार हो रहा है। आज सुनने में आ रहा है कि 700-800 लोगों को विकास पुस्तिका आवंटन किया गया, लेकिन जो बाकी जो गांव है, बाकी करीब करीब इनका कहना है कि 3000 लोगों को विकास पुस्तिका चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 700-800 लोगों को विकास पुस्तिका दी गई है। आज यहां राकेश रंजन महतो, जो अखिल भारतीय विस्थापित कांडिल डैम विस्थापित संघ के अध्यक्ष है, उनकी नेतृत्व में, विवेक सिंह बाबू के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज मैं जानना चाहूंगा कि राकेश रंजन महतो जी, आज आज जो पुस्तिका नियोजन नीति नियोजन जो है कांडिल डैम में, आप लोग अखिल भारतीय कांडिल डैम स्थापित मंच के अध्यक्ष नेतृत्व में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या है मुख्य मांगे? देखिए, कांडिल डैम के 183 आर्एल प्रभावित क्षेत्रों के लिए पिछले 8 साल 2023 को झारखंड सरकार जल संसाधन विभाग के निर्देश के आलोक में चिट्ठी निकाला गया था कि 31 दिसंबर 2023 के बाद इन 183 आर्एल प्रभावित क्षेत्रों के किसी भी विस्थापित गांव का कोई भी दावा, आपत्ति या आवेदन पर काम नहीं किया गया, जिसके विरोध में हम सारे लोग ने 27 दिसंबर 2023 को आदित्यपुर कार्यालय में जाकर हम सारे लोगों ने दावा, आपत्ति पर आवेदन जमा किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी 8 महीना गुजरने के बाद भी अभी तक उन दावा आपत्तियों पर काम नहीं किया गया। तो आज हम सारे लोग उसका हिसाब लेने के लिए आए हैं, जानकारी लेने आए हैं कि आखिर हमारे उन आवेदनों पर काम कितना हुआ है। तो आज हमें जानने का अधिकार है, या फिर पूर्व की तरह अभी भी भ्रष्टाचार लोग पैसे के लिए उसमें आकर काम कर रहे हैं। हमें जानने का हक है, हम सारे लोगों को अधिकार है कि आखिर हमारे आवेदनों पर प्रतिवेदन क्यों नहीं हो रहा, अगर होगा तो कब तक होगा और किन किन होगा, क्योंकि कई तरह का आवेदन किया गया था, नियोजन के लिए आवेदन किया गया था, विकास पुस्तिका बनने के लिए आवेदन किया गया था, उसके बाद आपका अनुदान के लिए आवेदन किया गया था। तो उन सारे आवेदनों का अभी तक काम कहाँ तक हुआ नहीं हुआ, जिसका हम लोग जानकारी लेने के लिए, सूची लेने के लिए आए हुए हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग गेट पर। तो आज जो है अखिल भारतीय विस्थापित संघ मंच के द्वारा जो कांडिल डैम के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बनी है, और ये राकेश रंजन महतो जी के नेतृत्व में आज ये लोग ऑफिस में जा करके ये पता करेंगे कि जो भी विकास पुस्तिका आवंटन की गई है वो किन लोगों को की गई है। यहाँ ऑफिस के द्वारा जो है, जो भी विकास पुस्तिका हो, नियोजन हो, इसका कोई भी खुलासा नहीं किया जाता है, कि ऑफिस में भी किसी तरीके का कोई भी लिखित नहीं दिया जाता है। अगर सूचना के अधिकार के तहत कोई मांगते हैं उसको भी नहीं दिया जाता है। तो ऑफिस के द्वारा बहुत ही जो भी विस्थापित लोग हैं उनको न्याय देने का काम नहीं किया जाता है, केवल और केवल दलाल भ्रष्टाचारियों का ये एक अड्डा बन चुका है। उसी के लिए आज राकेश रंजन महतो जी, जो विस्थापित संघ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये महिलाएँ आई हैं, जो यहाँ कुछ गांव के लोग आए हैं, बहुत सारे गांव के लोग, चूँकि आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके गांव की है, ये बहुत सारा कैंप लगी हुई है, तो उसके वजह से नहीं आए हैं। आज आप देख रहे हैं ये कांडिल प्रमंडल जो कार्यालय है, कांडिल डैम के लिए जो विस्थापित है उसका ये कार्यालय है, सोनरेखा परियोजना अंचल का। आज यहाँ पर ये लोग आए हैं, विस्थापित जो आए 116 गांव 84 मौजा के लोग, तमाम गांव के लोग यहाँ जुटे हैं। हालांकि बहुत आज खेती का समय है, और यहाँ आज सरकार के द्वारा आज यह भी जो है
आपके द्वार, आपकी सरकार, आपकी योजना के अंतर्गत सभी बीजे इसकी वजह से बहुत लोग नहीं आए हैं, लेकिन आज जो भी आए हैं इनका कहना है कि हमें विकास पुस्तिका नियोजन के बारे में बताया जाए। ये लोग अपने अपने फॉर्म भर के आए हैं, वो फॉर्म मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्म दिखे क्या है, तो ये फॉर्म इन लोग भर के लाए हैं। ये जो पुनर्वास पदाधिकारी संख्या के अंतर्गत सोनरेखा बहुद्देशीय परियोजना अंचल में ये पुनर्वास संबंधित अपने दावा आपत्ति और आवेदन प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं। तो इन लोग ये गांव जो है 116 गांव 84 मौजा के लोग पिछले 42 वर्षों से आज इसी तरह आंदोलन करते हैं। कई पीढ़ी बीत गई थी, लगभग आज तीसरी पीढ़ी बीत गई, लेकिन इन लोगों को अभी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया है। और आज इन लोग फिर से जो आंदोलन लगातार करते रहते हैं, आज फिर से इस जगह सोनरेखा परियोजना के प्रमंडल कार्यालय में चांडिल में इन लोग फिर अपने दल बल के साथ अपने गांव के लोग, गरीब जो नियोजन से वंचित हैं, पुनर्वास से बहुत लोग वंचित हैं, कुछ लोगों को मिला गया है, और जो इन लोगों की जो विकास पुस्तिका है वो भी आवंटन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ आए हैं। हमारे साथ में कुछ माता बहनें हैं। माँ जी क्या बंगलाई बोलो ना, तो आज जो यहाँ आए हैं किस लिए आए, किस जन आसे छो आज हमारा किछु पाई नहीं, नौकरी पाओ नहीं? नहीं नहीं नौकरीओ नहीं पाई। विकास पुस्तिका आगे बुढ़ा दर बनिए छे, अखन अंदर उपयुक्त छया गिले नहीं बने। आगे माने कत बछर आगे, 20 बछर 30 बछर? ओ उटा ढेर बुढ़ा, ढेर बुढ़ा माने 40 बछर हो गेलो। हां 30 बछर हो गेलो। हां तो आज नूतन छलादर तुम्हारे बच्चादर कारो बने नहीं? नहीं नहीं कोनो बने नहीं, ना नौकरी ना कार ना कोनो किछु नहीं, किछु नहीं बने ना। अखन की बोलछे, हां की बोलछे? ओई तो किछु बनिए छे, की बनिए छे हमरा तो जानी তো ওইটা আমরা জানবার জন্য আসিছি, কি বানিয়েছে, হ্যাঁ এখন কার বানিয়েছে না বানিয়েছে, কি বানিয়েছে না বানিয়েছে আমরা তো কিছু জানি নাই। तो देखिए इन लोगों का कहना है, जैसे ऑफिस के द्वारा जो कार्यालय प्रमंडल कार्यालय है इसके द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। ये 116 गांव 84 मौजा के लोग आज पिछले 42-43 वर्षों से इसी तरह ऑफिस के चक्कर पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनको किसी तरह का न्याय नहीं मिल पाता है। तो आज जो है राकेश रंजन महतो जी और विवेक सिंह जी इनके द्वारा जो है आज इनके नेतृत्व में सोनरेखा परियोजना में आज यहाँ पर ये आंदोलन के लिए आए हैं। विवेक सिंह जी आपका अब तक न्यूज़ में स्वागत है। आज आप लोग जो यहाँ 116 गांव 84 मौजा के महिलाएं, गांव के गरीब लोग जो विकास पुस्तिका से वंचित है, नियोजन से, नौकरी से वंचित है, आज इनके बच्चे जो हैं एक जो लावारिस हालत में है, क्या आज क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोगों का जो एक दिवसीय धरना है, ये धरना खास करके जो हम लोग 27/12/2023 को जो आवेदन हम लोग सब दिए हैं थे आंदोलन के मार्फत में हम लोग दिए थे, सारा वहाँ लगभग आपका 1633 था, और उसके बाद 31 तारीख तक जो लास्ट डेट इन लोग तो सचिव के वहाँ से माने चिट्ठी निकाल के माने लास्ट डेट किए थे, तो उसमें हम लोग 31 तारीख तक माने और कुछ बढ़ा, 27 को हम लोग 1633 दिए, यहाँ लगभग 500 बढ़ गया, लगभग माने 3000 जैसा आवेदन हुआ। तो सारा आवेदन वहाँ से माने इन लोगों का कहना है कि वहाँ से हम लोग भेज दिए हैं एडी ऑफिस से। अब यहाँ इन लोग क्या किए हैं, इन लोग गलत दस्तावेज पेश कर दिया है कि 600 हम लोग का आवेदन मिला है, जो कि 3000 आवेदन मिला है। हम लोग 3000 नौकरी से संबंधित, विकास पुस्तिका का निर्माण से संबंधित, अनुदान से संबंधित, ये सब मामला सारा आवेदन माने लगभग 3000 आवेदन है। इन लोग इतना कम क्यों पेश किए, सबसे पहला सवाल। अच्छा 3000 जो आवेदन में से इन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, अभी तक 8 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो क्या त्रुटि है, क्या कमी है, उसको बोलना चाहिए, लेकिन अभी तक इन लोग हमारे उसका कोई जानकारी नहीं दिए, कोनो कैंडिडेट को नहीं, जो आवेदन देने वाला है आवेदन करता को देना ना चाहिए, नहीं देते हैं। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई हो रहा है, कब होगा भाई, अब चुपके से मैंने लोग काम कर रहा है।
माने समन्वय समिति गठित करके 2018 में समन्वय समिति गठित करके उच्च पदाधिकारी द्वारा विकास युद्ध का बनाने का एक समिति गठन हुआ था, लेकिन उस माने उसका भी अवहेलन लोग कर रहे हैं। अब उसका भी चिट्ठी हम लोगों को नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जान जाएंगे आपके चिट्ठी अनुसार। तो यहाँ से जो भी यहाँ से नियोजन होता है, जो भी सूचना होती है, इसको तो ऑफिस में साटना चाहिए, लगाना चाहिए। हाँ देखिए, नियोजन का अभी अधिसूचना नहीं हुआ है, लेकिन सचिव ने जो हमारे चिट्ठी निकाला है कि जो भी दावे आपत्ति है आप लोग आवेदन जमा कीजिए। तो अगर माने अधिसूचना माने जारी नहीं हुआ है तो नौकरी के लिए तो हम तो आवेदन करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग का जज हक है। माना अधिसूचना जारी करना आप लोगों का काम है, आप लोग कीजिए कैसे करना है, आप जैसे जब जैसे भेजिए यहाँ से कीजिए, जैसे जैसे पहले कैसे होता था उसको माना एक समन्वय समिति गठित करके वो लोग अपने से माने विस्थापित की ओर से माने वो लोग नौकरी देते थे। प्रगति रिपोर्ट जो नौकरियां जो बाहर से ले रहे हैं आप यहाँ के लिए लोकल लोगों को, वही तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ लेना चाहिए विस्थापित को। आपके विभाग 2011 में एक वैकेंट निकाला था इन लोग, जो कि यहाँ सुपर्णरेखा परिवार में एक लिखा हुआ है कि 100% फोर ग्रेड का और 50% थर्ड ग्रेड का, लेकिन इन लोग का किए इन लोग मारे वैकेंट निकाल दिए। तो अगर वैकेंट निकाल देंगे तो फिर विस्थापित का कहाँ से हो जाएगा, तो दूसरा आदमी आके घुस जाएगा है ना। और यहाँ सबसे हम लोगों का खराब स्थिति इसलिए हुआ है कि हम लोग माना विश्वास करें तो क्या, किसको करें विश्वास, 183 हम लोगों का हमारा काम करेंगे। अब हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, हर 5 साल में एक प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक बनाते हैं, उन लोग विस्थापित को केवल मात्र मुद्दा बनाते हैं, विस्थापित को कोई काम नहीं करते। और ऐसे 5 साल इसको 5 साल उसको करके करके हम लोगों का आज 43 साल हो गया। अब कब तक हम सब ठगने का काम कर रहे हैं बस। तो प्रतिनिधि हम लोगों का बेमानी करेंगे, ऑफिसर लोग बेमानी करेंगे, यहाँ तो सब माने घुसखोर है, यहाँ चुपके से काम हो रहा है। 2018 से विकास सूची का 2023 तक बनाने का कमेटी में निर्णय हुआ है, लेकिन अभी तक विकास सूची बन रहा है, लेकिन बन रहा तो चुपके से बन रहा है, चोरी छुपे बन रहा है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। अगर यहाँ कोई आते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, विकास सूची का बनाने के लिए, दावा करने के लिए, आवेदन देने के लिए, यहाँ कोई काम नहीं होता, भटकते रहता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। अगर फिर भी अगर जबरदस्ती लेना देना चाहे तो इन लोग तर्क करते हैं, तर्क वितर्क होता है तो फिर जाके माना मारपीट में उतर लेते हैं इन लोग, इतना माना मारपीट भी हाँ इन लोग ही सब करते हैं। और विस्थापित अगर उसी में से अगर मारपीट हो जाए तो सीधे विस्थापित को माना वो लोग आरोप लगाते हैं, विस्थापित के ऊपर एफआईआर। हाँ विस्थापित को अब कुछ अगले हम लोगों का प्रदर्शन में यहाँ सारा चीज दिखाया था, दारू का बोतल, बिहार का बोतल, गांजा सब कुछ हम लोग पुलिस को भी दिखा, पूरा प्रशासन को लाके दिखा दिए, लेकिन उन लोग पर कार्रवाई नहीं होके विस्थापित पर कार्रवाई हुआ, जिसमें हमारे जो अभी संगठन के नेता है राकेश रंजन उनको भी टीका लगा। तो इस तरह का हमारा रवैया है यहाँ। तो सारा सिस्टम इस सुवर्णरेखा परियोजना का जो सारा सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा पूरी फेल है, सिस्टम एकदम गड़बड़ है, इस सिस्टम को बदलना होगा। चोरी छुपके काम नहीं होना चाहिए। तो ये जो इन लोगों का विस्थापितों का दर्द है, आज चांडिल डैम विस्थापित मंच जो है चांडिल का अखिल, इन लोगों के द्वारा जो है विवेक सिंह बाबू और राकेश रंजन महतो जी जो अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा यहाँ इनके नेतृत्व में आज चांडिल डैम के तमाम जो यहाँ विस्थापित हैं उन लोग एक आज एकजुट हुए हैं और एक दिवस एक तरह से गेट के सामने जो है सुवर्णरेखा परियोजना के गेट के सामने चांडिल डैम के गेट के सामने यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। जो अब इनकी तीसरी पीढ़ी आ गई है वो उनको न्याय मिल सके, उनको नियोजन मिल सके, उनको जो
विकास पुस्तिका मिल सके जिसके द्वारा इनको नौकरी आवंटन हो। आज तक जो है मुआवजा नहीं मिला है सही पूर्वक। 8 महीना बीत गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना ही उन लोग हम लोगों को कोई जानकारी देते हैं कि भाई आप लोगों का जो आवेदन दिया है ये कार्रवाई हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ जानकारी नहीं। बाध्य हो गए हम लोगों का आज एक दिवसीय प्रदर्शन करना पड़ रहा है और वही हम लोगों का मांग है कि जो आप लोग एक चिट्ठी निकाले थे उस आधार पर हम लोग मन आवेदन जमा किए 31 तारीख तक किए 31/12/2023 तक, लेकिन आप लोग उसका कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो आवेदन? और वो आवेदन कार्रवाई नहीं होने का यही कारण है कि ये लोग चोरी चुपके माने काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो हम लोग आंदोलन के मार्फत में जो हम दिए हैं ना उसमें कोई चोरीदारी होने का चांस नहीं है। अगर नियम पूर्वक काम किया जाए सही पूर्वक जिस तरह से वर्णमाल फिट रहता है गांव में, सीधे बोला जाता है कि यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वहाँ उस व्यक्ति को पकड़ो, माने दवाल में किसी का कोई है इसके इन लोगों के साथ मिली भगत तो उसको पकड़ो। अब वो कैंडिडेट जाके उसको पकड़ेगा, उससे बात करेगा, आधाधी बात करेगा शहर में, उसके बाद वो आके पहुँचाएगा यहाँ। मैंने प्रत्येक विस्थापित गांव में आपका यहाँ इन लोगों का दलाल जो हाँ माने डायरेक्ट आके विस्थापित देगा तो काम नहीं होगा, ये स्थिति है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं मिलेगा। आज हम लोग आंदोलन के मार्फत में डायरेक्ट दिए हैं, इसमें तो पैसा फोड़ने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसको दबा कर रख दिया गया है। तो मैं जो अभी वर्तमान में जल संसाधन मंत्री बने हैं रामदास सुरेंद्र से उनसे कहना चाहूँगा, मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूँगा कि यहाँ की जो समस्या है चांडिल डैम की 43 वर्षों से, अब ये आप देख रहे हैं यहाँ माता बहन यहाँ बैठी हुई हैं और बहुत यहाँ युवा भी हैं जो आज ये लोग नौकरी के लिए आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। बात बताते हैं, इसके पहले हम लोगों का अन्नपूर्णा देवी भी थी, रामचंद्र सहिष भी थी था, अब चंद्रप्रकाश चौधरी थे, सुदेश महतो थे, सब विस्थापित के बारे में सबका जानकारी है, सब अवगत है। ऐसा भी का शिबू शरण भी आके यहाँ हेलीकॉप्टर उतार दिए थे और सारा विस्थापित को बुला के वो कह दिए थे, वो हमारे घोषणा कर दिए थे कि हमारा सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम विस्थापित को काम करेंगे। यहाँ का विधायक जब बनते थे सुधीर महतो जी, वो भी कई घोषणा पत्र में आपका जिक्र हुआ है, हम लोग दिखा सकते हैं। इस बार जो विधायक है उनके बीबी सविता महतो, उनका भी घोषणा पत्र में जिक्र है कि हम सबसे पहले विस्थापित को लिए काम करेंगे, विस्थापित का आयोग गठन करेंगे पहले और उसके बाद हमारे विस्थापित का निदान करेंगे। 5 साल बीत गया अभी तक करने वाला नहीं है और अभी तक कोई अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इधर उधर जाके खाली पैसा बांट रहे हैं, ये स्थिति है। मुख्यमंत्री थे, हम लोगों का बहुत उम्मीद था, हम लोग समझते थे कि नहीं चलो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों का ये विधानसभा का एक सरकार बन गया, अब हम लोगों का कुछ होगा, लेकिन एक सरकार के बनने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग साधारण विधायक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? केवल यहाँ का प्रतिनिधि केवल माने वोट का राजनीति करते हैं, वोट का मुद्दा बना के केवल विस्थापित को छोड़ दिए हैं। हर कैंडिडेट आके खाली विस्थापित को मुद्दा बनाते हैं, काम कुछ धरातल में कुछ नहीं होता है, ये स्थिति है। रामदास सुरन जी अभी बने हैं, उनको सारा चीज़ अवगत है। हम लोग 2-4 साल पहले हम लोग गए थे जाके रामदास सुरन को, वो खुद अवगत थे, वो खुद माने मंत्री साहब को लिखते थे, जिस समय सुदेश महतो मंत्री थे, जिस समय डिप्टी सीएम सुधीर महतो थे उस समय फिर वो खुद दवा देते थे, आपको सारा कागजात हम लोग दिखा देंगे, लेकिन आज खुद माने मंत्री बन गए हैं। अब देखते हैं, इनका तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। जो माने हम लोगों का मुद्दा बनाने वाले आप खुद मंत्री जब बन जाते हैं वो अपना मुखर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ये स्थिति है। इसलिए ये आज विस्थापितों का ये दुर्दशा है, किसको विश्वास करेंगे हम लोग? आज जो है मत कर सकते हैं हम लोग, गांव के लोग जो 116 गांव 84 मौजा के लोग, आप कौन गांव से आए हैं? काशीपुर। तो आपका बना है कुछ विकास पुस्तिका या नियोजन का? कुछ नियोजन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। तो आज जो आए हैं, अब आप क्या खेती बाड़ी करते हैं?
मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी सब डूब गया। आपका आपका परिवार का लोग, आपका पिताजी हो या कोई और नौकरी करते थे कभी? नहीं 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 मिला, कोई नहीं मिला आज तक, नहीं मिला, बस केवल ऑफिस का चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग यही मांग करते हैं, जो सरकार हम लोग के साथ जो वादा किया था वो वादा हम लोग को मतलब पूरा करे। तो हम लोग ये सब आंदोलन धरना प्रदर्शन कुछ करने वाला है नहीं, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तो हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो जब तक कुछ नहीं होगा इन लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ माताएं बहनें जो यहाँ अधिकारी आए हैं, यहाँ तो जैसे कि कहा गया है, राकेश जी बता दीजिए, चलिए जो है तमाम तो यहाँ अधिकारी कुछ आए हैं और राकेश माथुर जी और इन लोग जो हैं। सरकार आपके द्वार कर सकता है तो विभाग पुनर्वास संबंधित काम को उसके गांव में कैंप लगाकर क्यों नहीं कर सकता है? ये हमारे तरफ से निवेदन है आपसे। और इसमें जो 7 नंबर जो है कि पुनर्वास हेतु कार्य को देखने के लिए प्रभारी सहायक और मापक बनाया गया है, इसको सूची हम लोग को जितना जल्दी मिलेगा उतना बेहतर है, क्योंकि हमारे गांव के विस्थापितों को पता ही नहीं कि हमारे गांव के मापक कौन है, प्रभारी कौन है, सहायक कौन है, हम अपना आवेदन किसके पास जमा कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी यहाँ पर ना एक एजेंट जैसा चलता है कि एजेंट लोग रखे हैं कि कलेक्ट करो, कलेक्ट करके लाओ, हमारे पास जमा करो, जिस विषय में हम लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो फिर गलत बातें होगा। खाली आपसे निवेदन है कि ताकि आप ये सूची दे दें तो विस्थापित साथी लोग डायरेक्ट उस प्रभारी तक पहुंच पाएंगे, ताकि अपने समस्याओं को वो दे पाए। और 8 नंबर जो पॉइंट इसलिए आपसे बोला जा रहा है सर, प्लॉटों की संख्या आवंटित भूखंड और आवंटन गैर विस्थापित दखल वाला, क्योंकि ये कुकड़ू आप जान रहे, कुकड़ू में पुनर्वास स्थल पूरा पूरी खाली है, वहां भी कई लोग गैर विस्थापित में दखल करके हैं। कई लोगों ने विकास पुस्तिका में भूखंड के बदले जो समतुल्य राशि वो ले लिया, फिर भी मकान बना के हैं। कई ऐसे विस्थापित है जिनके मकान में पानी घुस जाता है बारिश पड़ने से, लेकिन जब हुए मजबूरी में, आज उसके पास कोई उपाय नहीं, मजबूरी में जाकर जब प्लॉट लोग जाकर किसी तरह से झोपड़पट्टा बनाने के रहने के लिए जाते हैं, तो मैं विभाग को दोष नहीं दूंगा, प्रखंड कार्यालय की तरफ से उन्हें रोक दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके घर में पानी भी घुस रहा है, समतुल्य राशि भी ले लिया है, उसके पास कोई उपाय भी नहीं है, इस परिस्थिति में वो लोग जाएंगे कहां? ऐसे सारे चीजों को आपको थोड़ा देख के मानवता के आधार पर, जब सरकार 2 लाख रुपया कृषि लोन माफ कर सकता है, सरकार जब बिजली बिल माफ कर सकता है, तो आपके द्वारा आप अगर ऊपर चिट्ठी लिखेंगे तो कोई 4,500 रुपया जमीन के बदले में दिया है, कोई 7,500 रुपया दिया है, अभी वर्तमान में 75,000 रुपया दिया है, तो क्या भूखंड के समतुल्य जमीन को क्या माफ नहीं किया जा सकता विस्थापितों का? इसको लेकर आप जरूर बात रखें, ताकि वास्तविक में जो सरकार जो हम सारे लोगों को जो पुनर्वास करना चाहता है वो वास्तविक रूप से कर पाए, क्योंकि लोगों ने पैसा और जो भी अनुदान राशि मिला है किसी को नहीं पता था ये किस किस भाग में मिला, 6 तरह का जो अनुदान मिलता किसी को जानकारी नहीं है, पैसा मिला बाद में ऑल ग्रांट पेड स्कैम लग गया, किस किस का पैसा मिला ये विस्थापित को नहीं मालूम। आज जब वो आते हैं तो बोलता है कि तुमने जमीन का पैसा ले लिया, तुमने आज ये पैसा ले लिया, सब अनुदान का पैसा तुमने ले लिया। तो आज सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि विस्थापित आखिर जाएगा कहां, उसको भूखंड नहीं है, जमीन नहीं खरीदा है, पैसा नहीं है और लगातार जमीन पे पानी है, कहां जाएगा लोग? इसके लिए ये बोल रहे हैं कि आप इस पे जरूर 8 नंबर पॉइंट पे ध्यान दें, क्योंकि पुनर्वास स्थल में आप भी जान रहे बहुत सारा पुनर्वास स्थल खाली है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, झूठ जंगल बना हुआ है। अगर विस्थापित लोग जाएंगे वहां पर मकान बनाएंगे तो आपको भी जल स्तर बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप बिना पुनर्वास किए बिना लोगों को बैठाए जल स्तर बढ़ाएंगे तो इस तरह का विरोध होते रहेगा, लोग गांव नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मजबूर है जो लोग रहने के लिए। इस पर आप जरूर ध्यान दें ताकि आगे हमारा समस्या ना हो और हमें इस तरह से सड़क पे ना आना पड़े। अगला है सर कि नौ धन्यवाद, जो आए वो सही समय पर पहुंच सके।